हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है एंड ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। इस टाइप का नाम है एस्टिमेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर द मिसिंग डेटा। मतलब एक स्टेशन होगा जिसका प्रेसिपिटेशन आपको नहीं पता है या उस समय पे रिकॉर्डिंग स्टेशन आपका इन ऑपरेटिव हो गया था एंड उसी का आपको मिसिंग डेटा वर्कआउट करना है। तो ये आपका टाइप वन रहेगा। दिस इज द टाइप वन मिसिंग डेटा कैलकुलेशन। दिस इज मिसिंग डेटा कैलकुलेशन। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। अगर आप एक बार इसको वीडियो देख लोगे तो शायद एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है? द एनुअल रेनफॉल एट पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ पे स्टेशन के नाम दिए हुए, तो स्टेशन के नाम है पी क्यू आर एस टी। ये स्टेशन के नाम है, उसका एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है। यहाँ पे एनुअल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एनुअल रेनफॉल, जिसको हम एक्स बोलते हैं, वी कॉल इट एक्स। तो उसके एनुअल रेनफॉल्स का डेटा कितना है? 78.98। नेक्स्ट है 68.59, 72.34, 82.37, 93.09 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट पी क्यू आर एस एंड टी आर। अब लेट अस से कहीं बारिश पड़ी एंड उस टाइम पे स्टेशन पी क्यू आर एस पे जो रिकॉर्ड किया हुआ रेनफॉल है, मतलब रिकॉर्डेड रेनफॉल, ठीक है, उसको मैं पी बोलता हूँ, वी कॉल इट पी। तो कितना रिकॉर्ड किया? एक बार 8.89, एक बार 7.37, 7.92 एंड 8.46 किया है। डिटरमाइन द मिसिंग डेटा एट स्टेशन टी। मतलब इस टाइम पे आपका जो स्टेशन था वो इन ऑपरेटिव था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, तो आपको उसका रीडिंग वर्कआउट करना है। ठीक है, तो मिसिंग डेटा वर्कआउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेशो मेथड। अगर आपका जो भी स्टेशन इन ऑपरेटिव है, तो जैसे आपका स्टेशन टी इन ऑपरेटिव है एंड आपको उसका एनुअल रेनफॉल पता है, तो अगर आपको प्रेसिपिटेशन ऑफ टी निकालना है एंड आपको उसका एनुअल डेटा पता है, एक्स टी पता है। सी, प्रेसिपिटेशन को मैंने पी नाम दिया यहाँ पर एंड एनुअल रेनफॉल को एक्स नाम दिया, तो PT आपको निकालना है, XT आपको पता है। तो फॉर्मूला होता है 1 बाय एन ब्रैकेट, आपको जो पता है अब वो कॉपी करो। जैसे स्टेशन P है, उसका रिकॉर्डेड रेनफॉल कितना है? 8.89। तो यहाँ पे आएगा प्रेसिपिटेशन ऑफ P अपॉन X ऑफ P प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ Q अपॉन X ऑफ Q प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ R अपॉन X ऑफ R प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ S अपॉन X ऑफ S। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रेशो मेथड। प्रेसिपिटेशन ऑफ T आपको निकालना है, X ऑफ T मतलब एनुअल डेटा जो रेनफॉल का है, आपको T स्टेशन पे पता था, वो था 93.09। सो दिस इज 93.09। ठीक है, 1 बाय n मतलब वो स्टेशंस जो ऑपरेटिव थे उस टाइम पे। तो कौन से स्टेशंस ऑपरेटिव थे? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप करेंगे 1 बाय 4। अब प्रेसिपिटेशन एट पी कितना है? वो है 8.89। दिस इज 8.89 अपॉन पी। एक्स पी कितना है? 78.98। दिस इज 78.98 प्लस पी क्यू, मतलब प्रेसिपिटेशन एट क्यू कितना है? 7.37 है। दिस इज 7.37 अपॉन 68.59। तो दिस इज 68.59 प्लस पी आर कितना है? वो है 7.92। So this is 7.92 upon 72.34. This is 72.34 plus last 8.46 upon 82.37. यहाँ bracket close करेंगे, यहाँ से हम लोग PT निकाल सकते हैं। आप XT को यहाँ भेज दो, मतलब कैलसी में क्या करेंगे? 93.09 upon 4 into bracket क्या है? 8.89 अपॉन 78.98 प्लस 7.37
अपॉन 68.59 प्लस 7.92 अपॉन 72.34 प्लस 8.46 अपॉन 82.37 एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपका आंसर आता है 10.05 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर आएंगे, दिस विल बी इन सेंटीमीटर। तो जो स्टेशन आपका इन ऑपरेटिव था वहां पर रेनफॉल की रीडिंग कितनी है 10.05 है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेनगेज स्टेशन डी वॉज इन ऑपरेटिव, मतलब एक स्टेशन था डी जो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इन ऑपरेटिव था फॉर अ पार्ट ऑफ मंथ ड्यूरिंग विच अ स्टॉर्म अकर्स, मतलब जब बरसात पड़ी तब वो रेनगेज स्टेशन क्या था, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इट वॉज नॉन ऑपरेटिव इन ऑपरेटिव। द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट थ्री सराउंडिंग स्टेशन ए बी सी, अब यहाँ पे स्टेशन के नाम लिख दो आप लोग, स्टेशन जो थे ए बी सी और डी, आपको जो प्रेसिपिटेशन की रीडिंग मिली पी कहाँ पर, ए बी सी पे, वो थी 8.5 6.5 9 सेंटीमीटर। आपको प्रेसिपिटेशन एट पॉइंट डी निकालना है, एनुअल रेनफॉल का डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको हम बोलते हैं एक्स, मतलब एनुअल रेनफॉल, मतलब एक साल की जो बारिश थी वो कितनी थी 75, 84, 70, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको प्रेसिपिटेशन डी निकालना है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था अपने पास, प्रेसिपिटेशन आपको डी निकालना है अपॉन एक्स ऑफ डी लेंगे इक्वल्स टू 1/n पी ए अपॉन एक्स ए, मतलब प्रेसिपिटेशन एट ए अपॉन एनुअल प्रेसिपिटेशन एट ए पी बी बाय एक्स बी पी सी बाय एक्स सी एंड ब्रैकेट क्लोज। देयरफॉर अगर आपको पी डी निकालना है एक्स डी को आप यहां भेज दो, एक्स डी कितना आपका वो है 90 अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ स्टेशन विच वर ऑपरेटिव, ऑपरेटिव कौन से थे ए बी सी ऑपरेटिव थे तो अपॉन 3 कर दो ब्रैकेट में 8.5 अपॉन 75 प्लस 6.5 अपॉन 84 प्लस 9/70। ठीक है, मैंने क्या किया 8.5/75 6.5/84 ये सब किया और यहां से मेरा प्रेसिपिटेशन डी निकल जाएगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ पी डी। तो कितना तो चेक करेंगे, दिस इज 90/3 ब्रैकेट क्लोज 8.5 अपॉन 75 प्लस 6.5 अपॉन 84 प्लस 9/70 ये आता है वैल्यू अपना 9.57 का क्रॉस, दिस इज 9.57 सेंटीमीटर। तो ये था एक प्रेसिपिटेशन वर्कआउट करने का तरीका फॉर द मिसिंग रेनफॉल डेटा। आइए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप क्या लिखा है, कैलकुलेट द रेनफॉल एट स्टेशन एन, आपको स्टेशन एन का रेनफॉल निकालना है। आपको एक टेबल बना हुआ दिया हुआ यहां पर, तो यहां पे आपको निकालना है पी ऑफ एन। तो मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं पी ऑफ एन अपॉन एक्स ऑफ एन, मतलब प्रेसिपिटेशन जिस स्टेशन का निकालना है अपॉन उसका एनुअल रेनफॉल इक्वल्स टू 1/n क्या रहेगा, ए वन स्टेशन है ये ए टू है ये ए थ्री है, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ ए वन अपॉन एक्स ऑफ ए वन प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ ए टू अपॉन एक्स ऑफ ए टू प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ ए थ्री अपॉन एक्स ऑफ ए थ्री। चलो पुट करेंगे यहाँ पर पी एन, एक्स एन को राइट में भेज दो, एक्स एन कितना है वो है 140, तो 140 बाय एन मतलब नंबर ऑफ स्टेशन विच वर ऑपरेटिव वो थे 3, पी ऑफ ए वन कितना है 13.5 अपॉन 125 प्लस 14.5 अपॉन 136 प्लस 12.6 अपॉन 145। इसको सॉल्व करेंगे तो 140 बाय 3 इंटू ब्रैकेट 13.5 बाय 125 प्लस 14.5 अपॉन 136 प्लस 12.6 अपॉन 145। तो ये आंसर आता है आपका 14.07 सेंटीमीटर। तो मिसिंग रेनफॉल का डेटा एट स्टेशन एन वॉज 14.07
सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टाइप टू। इसके टाइप टू का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस इंस्टॉल करने हैं पर्टिकुलर एरिया के, आपको वर्कआउट करना है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है खासकर हाइड्रोलॉजी के पेपर के लिए, एंड जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइड्रोलॉजी एक सबसे पहला यूनिट है तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इन अ कैचमेंट एरिया देर आर 5 एग्जिस्टिंग रेन गेज स्टेशंस जिसके नाम है ए बी सी डी। तो मैं आपने लिख लेता हूँ स्टेशंस, इसके नाम है ए बी सी डी ई। फिर क्या बोलता है वो, हैविंग रिकॉर्डेड रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल दिया उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, पी बोल देते हैं इसको। तो प्रेसिपिटेशन कितना रिकॉर्ड किया है, 88, 104, 138, 78 एंड 56। सबसे पहले आप इसका समेशन निकाल लो, समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो 88 प्लस 104 प्लस 138 प्लस 78 प्लस 56, तो दिस विल बी 464 सेंटीमीटर। तो इसका समेशन कितना आ रहा है, 464 सेंटीमीटर आ रहा है। इसके बाजू में आप एक और टेबल ड्रॉ कर लो जिसको हम बोलते हैं पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर, ये हमको लगने वाला है आगे फॉर्मूले में। तो पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम लोग निकालेंगे मीन प्रेसिपिटेशन, विल फाइंड मीन प्रेसिपिटेशन जिसको हम बोलते हैं पी बार। तो पी बार क्या होगा, समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन अपॉन नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस। तो समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या था अपना, वो था 464 अपॉन नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन कर देंगे 5, विल गेट द वैल्यू ऑफ पी बार। तो 464 बाय 5 ये आता है 92.8 सेंटीमीटर। तो दिस इज 92.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मैं ये फैक्टर निकालूंगा जिसका नाम है पी माइनस पी बार, मतलब आपका जो प्रेसिपिटेशन है 88 माइनस उसमें से पी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे वो है 92.8 उसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं, तो ब्रैकेट लगाना, 88 माइनस 92.8 का होल स्क्वायर, दिस विल बी पॉजिटिव 23.04। इसमें ब्रैकेट डालना कंपलसरी है नहीं तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्या है, 104 माइनस 92.8 आपका पी बार है, तो 104 माइनस 92.8 उसका होल स्क्वायर ये आएगा 125.44, 138 माइनस 92.8 उसका होल स्क्वायर ये आता है 2043.04। नेक्स्ट 78 माइनस 92.8 उसका होल स्क्वायर ये आता है 219.04 एंड 56 माइनस पी बार है 92.8 का होल स्क्वायर विच इज 1354.24। ठीक है, ऑल राइट, अब हम निकालेंगे इसका समेशन, समेशन ऑफ निकालेंगे पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर। तो इसका सम कितना आता है, पहला है 23.04 प्लस 125.44 2043.04 प्लस 219.04 प्लस 1354.24, इनका पूरे का सम कितना आता है, वो आता है 3764.8। तो दिस वैल्यू इज 3764.8। ठीक है, तो हमने निकाल लिया पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर। अब इसका स्टेप नंबर टू है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन, विल फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला होता है समेशन पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ स्टेशंस माइनस वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का। तो दिस इज अंडर रूट 3764.8, तो दिस इज 3764.8 जो आपने स्क्वायर का सम करके निकाला था याला, ठीक है, अपॉन रेन गेज स्टेशन से 5 में से 1 गया, तो अंडर रूट ऑफ आंसर बाय 4 कर दो, तो ये आता है 30.67 सेंटीमीटर। अब तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ
वेरिएशन विच इज कॉल्ड सीवी. सीवी का फॉर्मूला होता है 100 सिग्मा अपॉन पी बार. ठीक है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो होता है 100 सिग्मा बाय पी बार. तो 100 सिग्मा कितना है 30.67, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन. और पी बार मतलब आपका मीन प्रेसिपिटेशन, वो है 92.8 सेंटीमीटर का. तो इनटू 100 अपॉन 92.8 क्या आता है 33.05. दिस इज 33.05. ठीक है, तो 33.05 इसको हम गिनते हैं परसेंटेज में. ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. तो द नेक्स्ट स्टेप इज, इसका नेक्स्ट स्टेप एक मिनट. ये हमने अभी इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, जिसका यूनिट है परसेंटेज में. आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस रिक्वायर्ड टू लिमिट द एरर टू 10%. अगर आपको एरर 10% रखना है तो आपको एडिशनल कितने रेन गेज स्टेशन डालने चाहिए आपको वो बताना है. तो स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालेंगे हम लोग. पहले विल फाइंड नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस. तो n इसका फॉर्मूला होता है cv बाय परसेंटेज एरर, जो भी आपको दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर. तो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, cv बाय एरर का होल स्क्वायर. आपके cv है 33.05 और परसेंटेज एरर है 10%. तो 33.05 डिवाइड बाय 10 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आता है नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस 10.92, जिसको आप 11 पे राउंड अप कर सकते हैं. इसका मतलब आपको 11 रेन गेज स्टेशंस का रिक्वायरमेंट है. आपके पास अवेलेबल कितने हैं, आपके पास सिर्फ 5 अवेलेबल है, जिनका नाम है ए बी सी डी ई. तो एडिशनल कितने लगने वाले हैं, तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस रिक्वायर्ड विल बी 11 - 5 विच इज 6. तो आपको 6 एक्स्ट्रा के रेन गेज स्टेशन लगने वाले हैं, ताकि आपके सिस्टम की इफिशेंसी 90% तक रहे, या फिर जिसका एरर 10% रहे. ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्या लिखा है, देयर वर 4 रेन गेज स्टेशन एग्जिस्टिंग इन अ कैचमेंट एरिया. द एवरेज एनुअल रेनफॉल वैल्यूज एट दीज स्टेशन आर दीज 4 वैल्यूज. डिटरमाइन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इन द कैचमेंट. आपको निकालना है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितने लगने वाले हैं, इन ऑर्डर टू लिमिट द एरर इन द मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल इन द कैचमेंट टू 10%. हाउ मेनी गेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड, मतलब एक्स्ट्रा कितने लगाने. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को. पहला है स्टेशन, स्टेशन के नाम क्या क्या है, स्टेशन के नाम नहीं दिए हुए, तो मैं इसको ले लेता हूँ ए बी सी डी. ठीक है, नेक्स्ट है टेबल प्रेसिपिटेशन का, पी का, जो कि आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो आपको उसको मिलीमीटर में लेना है. 750 600 420 500. इसके बाजू वाला टेबल आएगा पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर. पहले आप इसका सम निकाल लेंगे, तो 750 + 600 + 420 + 500 यहाँ 2270 मिलीमीटर. ध्यान रखना ये पूरा मिलीमीटर पे दिया हुआ है. अब हम निकालेंगे इसका पहले स्टेप में एवरेज या फिर मीन प्रेसिपिटेशन, विच इज कॉल्ड पी बार. तो पी बार क्या होता है, समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन अपॉन नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस. तो 2270 डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ये आता है 567.5 मिलीमीटर. तो ये आ गया आपका एवरेज प्रेसिपिटेशन. स्टेप नंबर 2, हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट समेशन
माइनस पी बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, और ये मैंने अब तक निकाला नहीं है पी माइनस पी बार, तो आपको पीछे आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पी माइनस पी बार पहले निकालना पड़ेगा। तो 750 माइनस पी बार कितना है 567.5, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 750 माइनस 567.5 उसका होल स्क्वायर ये आता है 333.06.25। नेक्स्ट 600 माइनस 567.5 उसका होल स्क्वायर ये आएगा 1056.25। 420 माइनस 567.5 का होल स्क्वायर दिस विल बी 217.56.25। नेक्स्ट 500 माइनस 567.5 का होल स्क्वायर ये आएगा 4556.25। आप चाहो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसके डिजिट्स को कम कर सकते हो, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, मैं निकालूंगा समेशन p माइनस p बार का होल स्क्वायर, तो 4556 लिखा हुआ है, प्लस करो 217.56.25 प्लस 1056.25 प्लस 333.06.25 ये आता है 60675, ठीक है। ये आ गया p माइनस p बार का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ 60675, तो 60675 अपॉन नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन से चार में से गया एक, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो अंडर रूट ऑफ आंसर बाय 3 कर दो, तो मेरा आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन एज 142.21 मिलीमीटर, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा स्टेप क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे जिसको बोलते हैं सीवी। सीवी का फॉर्मूला क्या था, 100 सिग्मा बाय पी बार, तो सीवी इक्वल्स टू 100 सिग्मा कितना है 142.21 अपॉन एवरेज प्रेसिपिटेशन है 567.5, तो इनटू 100 अपॉन 567.5 दिस विल बी 25.05। एक सेकंड, तो ये आता है 25.05 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आएगा परसेंटेज में। अब लास्ट स्टेप पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिमम, हम निकालेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस जो लग रहे हैं, वो एन का फॉर्मूला क्या था, सी वी बाय ई का होल स्क्वायर। आपका सी वी कितना है 25.05 अपॉन एरर कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया है 10% का, तो अपॉन आप 10 कर लेंगे उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको एन मिल जाएगा, तो डिवाइड बाय 10 उसका स्क्वायर यह आता है 6.27, जिसको आप 7 पे राउंड अप कर लो, मतलब आपके 7 रेन गेज स्टेशन लगने वाले हैं, तो एडिशनल आपको रेन गेज स्टेशन कितने लगेंगे, एडिशनल रेन गेजेस 7 माइनस एग्जिस्टिंग 4 थे, एग्जिस्टिंग आपके पास 4 रेन गेज है ना, 1 2 3 4, तो 7 में से 4 गए बचे 3, तो ये 3 आपके एडिशनल रेन गेज स्टेशन हो गए, आपको रिक्वायरमेंट था 7 का, ठीक है। आइए अभी इसके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, ये इसका एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, टाइप टू का। क्या लिखा है, द डिटेल्स रिगार्डिंग द रेन गेज स्टेशंस एंड रिकॉर्डेड रेनफॉल इज गिवन इन द टेबल। आपको स्टेशन दिया है, रेनफॉल दिया है, लिखा है इफ द एक्यूरेसी शुड नॉट एक्सीड 95%। एक्यूरेसी दी हुई है मतलब 95% की एक्यूरेसी है, तो एरर कितना हो गया, एरर विल बी 100 माइनस 95। तो बोला है देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन रिक्वायर्ड, तो पहले मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, एक है स्टेशन, नेक्स्ट क्या था प्रेसिपिटेशन, इसको हम बोलते हैं पी, फिर निकालेंगे पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 स्टेशन था, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। पहला है आपका 130 का रीडिंग है पहला, दिस इज 130, दिस इज 142.1, 118.2, 108.5, ठीक है, 165.2, 102.1, 146.9। पहले इसका आप सम निकाल लेंगे, इसका समेशन कितना आता है देख लेंगे, 130 प्लस 142.1 प्लस 118.2 प्लस 108.5 प्लस 165.2 प्लस 102.1 प्लस 146.9 आता है 913। दिस इज 913 विच इज समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब पहले स्टेप में इसके आप निकाल लो एवरेज, या जिसको हम बोलते हैं मीन प्रेसिपिटेशन, विच इज पी बार। पी बार क्या था, समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो समेशन है 913 का, नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो बाय 7 कर दो उसको, यह आता है 130.42। दिस इज 7, दिस इज 130.42 मिलीमीटर। तो एवरेज या फिर मीन प्रेसिपिटेशन कितना रहा, वो आ रहा है 130.42 मिलीमीटर। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2 पे स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा P माइनस P बार का होल स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको सबका P पता है, P है 130 माइनस 130.42 करेंगे सब में, उसका होल स्क्वायर। तो 130 माइनस 130.42 इज 0.42 का स्क्वायर, येगा 0.176, दिस इज 0.176। नेक्स्ट 142.1 का प्रेसिपिटेशन है, उसमें से आप पी बार वो है 130.42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आता है 136.42। नेक्स्ट है 118.2 माइनस 130.42, ठीक है, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा 149.32, ठीक है। नेक्स्ट 108 पे, 108.5 है माइनस 130.42, उसका स्क्वायर करेंगे, ये आता है 480.48, दिस विल बी 480.48, ठीक है। नेक्स्ट है 165.2 माइनस 130.42, उसका स्क्वायर, एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 102.1 माइनस 130.42, उसका होल स्क्वायर, दिस विल बी 802.02। और लास्ट है 146.9 माइनस 130.42 का होल स्क्वायर, दिस इज 271.59। इसका सम निकालेंगे P माइनस P बार का होल स्क्वायर, तो सम क्या आएगा, 271.59 प्लस 802.02 प्लस 1209.64 प्लस 480.48 प्लस 149.32 प्लस 136.42 प्लस 0.176, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3049.646, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विल बी अंडर रूट ऑफ समेशन पी माइनस पी बार का होल स्क्वायर बाय एन माइनस वन, विच इज नथिंग बट 3049.646 अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन से 7 माइनस 1, तो यहाँ अंडर रूट ऑफ आंसर बाय 6 कर दो, तो सिग्मा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 22.54।
मिलीमीटर या अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, अब निकालो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज कॉल्ड टीवी, टीवी का फॉर्मूला क्या था, 100 सिग्मा बाय पी बार, 100 सिग्मा बाय पी बार, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो 100 सिग्मा कितना, सिग्मा है 22.54 अपॉन पी बार कितना है 130.42। ये आता है 17.28%। ठीक है, लास्ट स्टेप आपको निकालना है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, उसका फॉर्मूला क्या था एन का, पीवी बाय एरर का होल स्क्वायर। आपको यहां पर परसेंटेज एक्यूरेसी दी हुई थी ना, इफ द एक्यूरेसी शल नॉट एक्सेल नॉट बी लेस देन 95%, तो आपको एक्यूरेसी दी हुई थी, परसेंटेज एक्यूरेसी इट वाज 95%। तो अगर आपको एरर निकालना है तो एरर क्या रहेगा, 100 माइनस एक्यूरेसी कर दो, 100 माइनस 95 इज 5%। ठीक है, तो एन विल बी सीवी, सीवी कितना 17.28 बाय 5 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 उसका होल स्क्वायर, यह आता है 11.95, जिसका मतलब हुआ 12 नंबर ऑफ स्टेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 12 स्टेशंस लग रहे हैं, अपने पास कितने अवेलेबल है, अपने पास 7 ही अवेलेबल है। तो कैलकुलेट द एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस रिक्वायर्ड, तो आपको निकालना है एडिशनल, एडिशनल रेन गेज स्टेशंस क्या हो जाएंगे, वो जो भी आपका ऑप्टिमम निकला 12, उसमें से आप जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल 7 ही है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको अभी 5 नए रेन गेज स्टेशंस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज एक्यूरेसी विद द गिवन नंबर, मतलब जितने आपको नंबर ऑफ स्टेशन दिए हुए हैं 7, उनका एक्यूरेसी निकालने को बोला है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का फिफ्थ स्टेप परसेंटेज एक्यूरेसी निकालना है ऑफ सिस्टम जो आपको दिया हुआ था। आपका फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन का, एन वॉज सी वी बाय एरर का होल स्क्वायर। आपके पास नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन पहले कितने अवेलेबल थे, आपके पास अवेलेबल है 7, ये 7 रेन गेज स्टेशन आपके पास अवेलेबल है, तो यहां लिखो आप 7, सी वी आपने कितना निकाला, वो निकाला 17.28 का, 17.28 अपॉन इसको एरर से डिवाइड करो और उसका होल स्क्वायर करो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा एरर निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लगेगा, 17.28 बाय ई, यहाँ से एरर कितना आएगा, 17.28 अपॉन अंडर रूट 7, तो एरर इज नथिंग बट 6.53%। तो आपका एरर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6.53, तो द एरर इज 6.53%। तो परसेंटेज एक्यूरेसी विल बी 100 माइनस 6.53 विच इज नथिंग बट 100 माइनस आंसर, यह आता है 93.46%। मतलब एग्जिस्टिंग जो आपको रेन गेज स्टेशन दिए हुए हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी है, वो है 93.46%। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मिसिंग डेटा रेनफॉल का कैसे निकालते हैं, एंड ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन जो आपको लग रहे हैं वो कैसे निकालते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ बेसिक 3 से 4 स्टेप्स याद रखनी है। सबसे पहले आपको मीन प्रेसिपिटेशन निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में अगर एरर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक्यूरेसी दी होंगी, एक्यूरेसी से एरर निकालने का तरीका क्या है, एरर विल बी 100 माइनस परसेंटेज एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये थे आपके 2 टाइप्स फर्स्ट चैप्टर के। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।